है क्या आपको मैं 10 मिनट के अंदर क्या सिखा दूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तुम्हें भले लग रहा होगा कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, बट मुझे पूरा लग रहा है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आप मेरी चार बातों को ध्यान रख लीजिए फटाफट। कितनी बातों को? पहली बात जान लीजिए कि शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, जानते हो ये सब? देखो, शेल जो है यही क्या है? ऑर्बिट। और यही क्या है? एनर्जी लेवल। यही क्या है? एनर्जी लेवल। ये कैपिटल से रिप्रेजेंट, जैसे के सेल, के एन एम, ये सब क्या है? शेल है। सब शेल क्या होते हैं? ये शेल जो है वो सब शेल से मिलके बनते हैं। समझे या नहीं समझे? बोलो। और सब शेल कितने होते हैं? एस पी डी, ये सब क्या है? सब शेल। सब शेल किससे मिलकर के बनते हैं? ऑर्बिटल से। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बहुत अंतर है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आई। और ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? जिससे सब शेल मिलकर के बना हो। जैसे कि आपने सुना होगा एस ऑर्बिटल, आपने सुना होगा पी ऑर्बिटल, आपने सुना होगा डी ऑर्बिटल, बोलो हाँ, और आपने सुना होगा एफ ऑर्बिटल, लेकिन देखा नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो आज भी वैज्ञानिकों ने बताया नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले शेल किससे मिलकर के बना होता है? सब शेल से। सब शेल किससे मिलकर के बना होता है? किससे? किससे? ठीक है, अब सांसों को रोक लें और नजर को टोक लें, तभी मजा आएगा। ध्यान से चार बातें मेरी सुनो। किसी भी एस में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला, सॉरी, किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ हो। क्या बोला मैंने? ठीक है, किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला दो एस भरा हुआ हो। क्या बोला? किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होती है। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होती है। और चौथी बात जो मैं बोलूंगा, आइदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज स्टेबल और फुल फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी। बोलो हाँ। बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा इन सबको, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपको चार बातें फटाफट याद होनी चाहिए कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस, किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला दो एस, और किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, और आइदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज फुल और फुल फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी। कितना परसेंट? अब मैं धुआं धुआं कर सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई मुझसे कहता है कि 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो। किसका करो? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले शेल में। किस में जाएगा? पहले सेल में। कितना सब शेल? एक, वन एस टू। उसके बाद दूसरे में जाएगा। किस में जाएगा? बोल दो, किस में? दूसरे सेल में। कितना सब शेल? तो क्या हो जाएगा? टू एस टू, टू पी सी। उसके बाद किस में जाएगा? किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसे सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, पहले सेल में कितना सब सेल, दूसरे में, तीसरे में, तो इसमें तीन सब सेल, 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस क्या हो, तो क्या कर दूंगा? 4s2 होते ही 20 हो गया, बचा 10, कहां चला जाएगा? 3d में। कहां चला जाएगा? 3d। समझ में आया कि नहीं? कितनी बात याद रखनी है? चार। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, पहले सेल में कितना सबशेल? एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार। दूसरी बात याद रखनी है क्या आपको? क्या याद रखनी है? कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उससे अगला एस, किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उससे अगला दो एस। कितना परसेंट? और लास्ट बात आपको क्या याद रखनी है? आइदर फुल फिल ऑर्बिटल आर स्टेबल और फुल फिल। चलो 30 हो गया, सीधे आओ 60 की करो। लो सारे बोलो हाँ। और कौन सा तुम 11th में हो जो 30 के बाद 31 करूं? 30 के बाद सीधे 60 करते हैं। चलो बोलो, पहला सेल 1s2, 2s2, 2p, तीसरे सेल में कितना सब सेल? 3s2, 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3d, 10। चौथे सेल में कितना सब सेल? अबे जैसे पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, वैसे चौथे में 4s2, 4pc, 4d में, 4f में,
5s2 होते ही 38 हो जाता है, कितना 5s के बाद कहाँ चला जाएगा, कितना परसेंट, 38 और 10 कितना हो गया, उसके बाद 5p6, 5d में इलेक्ट्रॉन, 5f में, पांचवें सेल में पांच सबसेल होंगे, 5s 5p 5d 5f 5g, लेकिन 5g को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी तक धरती पर 118 एलिमेंट खोजे गए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जी सबसेल की कोई जरूरत नहीं होती है, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6s2, अब हमको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, 6s2 होते ही 56 हो जाता है, 56 कितना हो जाता है, बचा कितना, कितना बचा, कितना बचा, ध्यान से अपने दिल से पूछो कि चार इलेक्ट्रॉन कहां डाल दूं, कि यहां पे 4f में, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s, 4f के आगे 2s कौन है, 5s 6s, तो देखो 5s भरा है कि नहीं, 6s भरा है कि नहीं, तुम्हारा दिल लपकेगा लपर लपर करके कि कहां डाल दूं इलेक्ट्रॉन, 5d में, बट तुम 5d में इलेक्ट्रॉन